पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के महाप्रबंधक तेज प्रताप सिंह पहुंचे मुरादाबाद, यूनियन के सदस्यों से की मुलाकात। मंगलवार को मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के एक दिवसीय वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने विंडो निरीक्षण किया और किए गए कार्यों को देखा। निरीक्षण संपन्न होने के बाद मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे महाप्रबंधक ने यूनियन के गुस्से का सामना करा, जहां यूनियन के सदस्यों ने महाप्रबंधक से मुलाकात कर मुरादाबाद डिवीजन की अनेक समस्याओं से महाप्रबंधक को बताया। रेलवे का चिकित्सालय में तैनात सभी कर्मचारी व डॉक्टर कार्यों को ठीक ढंग से न करने की वजह से रेलवे कर्मचारियों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने विश्वास दिलाया कि जो कार्यों को जिम्मेदारी से नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए महाप्रबंधक ने कहा, रेलवे तेजी से साथ काम किया जा रहा है और यात्रियों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इस मौके पर मुरादाबाद मंडल के रेल प्रबंधक, मुरादाबाद डिवीजन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण जो है ये साल के बाद हर डिवीजन का निरीक्षण होता है और हर बार हम एक सेक्शन चुनते हैं जिसका 4-5 साल बाद नंबर आता है। जी जी जी। उसका पर्पस ये होता है कि उस सेक्शन का एक थोरो ओवरहॉल हो जाए और उसमें जो भी कुछ कमियां हैं या जो भी उसमें अच्छी चीज़ है और जो हमारे स्टाफ अच्छे कार्य करते हैं उनको हम मोटिवेट करें, उनको इनाम दें। और जो जैसे हमारे कुछ स्टाफ होते हैं उनकी नॉलेज चेक करते हैं जी, सेफ्टी के प्रति जी, सेफ्टी के ऑडिट करते हैं जी, जी। ये सारी चीज़ें एक पूरे दिन में करी जाती हैं जी जी। अभी आ रहे हैं तो करीब अब 13 घंटे का इंस्पेक्शन हो गया जी, 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 जी। माइनस 2 ट्रेवल ट्रेवल टाइम रोजा से मुरादाबाद। पर इसमें हमारा पर्पज यही होता है कि रेलवे की संरक्षा वाले जितने भी इश्यूज हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएं। स्टाफ सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा स्टाफ जी जी। स्टाफ के मामले में हम जितना उनको सुविधाओं के बारे में, उनके मोटिवेशन के बारे में जो भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इनाम विनाम भी इसमें स्टाफ को पूरा देते हैं। तो क्या रहा पूरा आलमनगर से रोजा तक आपको कैसा? आलमनगर से नहीं, हम इसको काकोरी से शुरू किया। इनफैक्ट फर्स्ट पहला स्टेशन मलिहाबाद रुके थे हम। मलिहाबाद में हमने कुछ आइटम्स चेक करे थे, कुछ घर चेक करे थे, लोगों के घरों की कंडीशंस देखी थी, फिर आगे जाके ब्रिज इंस्पेक्शन किया था, ये सारी चीज़ें। फिर रनिंग रूम गए थे, तो बहुत तो जितने भी एस्पेक्ट थे सेफ्टी के वो सारे चेक किए गए। मैं चुनाव है इसलिए कोई ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा। हाँ, नहीं, मैं भी इसीलिए कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा। हाँ, लेकिन आप उसको अभी जवाब नहीं दे पाएंगे कब तक पूरा होगा, लेकिन ये है कि हमारे रेलवे की तरफ से एक कंसिस्टेंट हमारा प्रेशर रहेगा। अच्छा, उसको काम को पूरा कर देंगे। जो रेलवे की जो भी उसमें हमारा रेलवे वाला जो पोर्शन है, अगर ये आजकल तो कई पुल एक ही ऑर्गेनाइजेशन टर्न की प्रकृति है, ये वाला मुझे पता नहीं है, ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो हम रेलवे का जो उसको पूरा अपना प्रेशर लगा के काम करते हैं। ये आप चौथे जीएम हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है यहाँ का, बाकी डीआरएम साहब इनपुट आपको दे देंगे, बता देंगे, तो कोई आप डेडलाइन उसकी आप अभी मार्च तक अभी तो देखिए, मैं इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है तो मैं इस मामले में कुछ नहीं, वो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं, पुराना हो उसका, लेकिन इसमें कुछ अनाउंसमेंट्स है, कुछ डेडलाइंस मैं अभी नहीं बताऊंगा। कब तक आप इलेक्शन का इंतजार करिए, उसके बाद हम आपको डेडलाइन भी बताएंगे। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा। अच्छा, बहुत सारे काम हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं सर, मुझे ऐसा लगा। हमें आपके हिसाब से जो लिस्ट है, आपके हिसाब से जो लिस्ट है वो दे दीजिए। हमारे हिसाब से जो लिस्ट है, हमको तो पता है क्या क्या पेंडिंग है,
आपको अगर आपकी लिस्ट कोई डिफरेंट है, मैं आप ही की लिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे मैं अपनी कोई लिस्ट नहीं बना। देखिए हमारा एक रेलवे में एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीका है प्रोजेक्ट्स को फॉलो अप करना। जी जी जी। तो वो हम उसमें रिव्यू मीटिंग्स अपनी करते रहते हैं। जी जी ठीक है। तो उसमें सारे